बहुत खुशी होगी कि इस जर्नी के लिए मुझे बिफोर 3 मंथ पहले ही मुझे ये सब सेट करना पड़ा. मेरे बहुत सारे ऐसे सेशंस हुए हैं जो मुझे मिसेज इंडिया INC के थ्रू मिले. मुझे स्किन ट्रीटमेंट से लेकर डेंटिस्ट, हेयर, एवरीथिंग, लाइक रैंप वॉक ट्रेनिंग, एवरीथिंग. तो ये एक स्टेप बाय स्टेप सारी जर्नी को पार करते हुए जब मिसेज इंडिया के मिसेज यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे जब जाना पड़ा, तो वहाँ पे ये 7 डेज का एक फंक्शन था. मतलब ओवरऑल ये सब कुछ वहाँ पे प्री प्लान किया हुआ था. फिर वहाँ पे हम लोग जब गए तो पहले दिन हम लोगों को मीट एंड ग्रीट हुआ, वेलकम डिनर था हम लोगों का फर्स्ट डे. फिर सेकेंड डे हम लोगों को सिटी टूर करवाया गया, रात में फिर हम लोगों को कराओके हुआ. उसके बाद में थर्ड डे हम लोगों को शॉपिंग के लिए लेकर गए. फिर उसके बाद में शाम में ऐसे ही लाइक लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे. उसके बाद में 4 डे हम लोगों का जो हुआ वो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का एक फोरम था, जिसके ऊपर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको लेकर लोगों ने, अलग अलग कंट्रीज से लोगों ने वहाँ पे अपने अपने थॉट्स रखे हुए थे कि कैसे लोगों के साथ में वो प्रॉब्लम्स होते हैं और कैसे उसे फाइट करना चाहिए, कैसे हमें आगे आना चाहिए. उसके बाद में नेशनल कॉस्ट्यूम का राउंड था और सबटाइटल अवार्डिंग था और उसके बाद था ग्रैंड फिनाले. तो ओवरऑल ये जो जर्नी थी, 106 कंट्री के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. अलग अलग कंट्री के लोग जब अपने सामने आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने वेल हैं, हम क्या कर सकते हैं. इतने सारे कंट्री के लोग जब हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, तो हमको हमारा लेवल पता चलता है. बिकॉज़ हर कंट्री अपने प्लेस में बहुत बड़ा है और हर कोई अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर कोई अपने इसमें बेस्ट है. तो बस मुझे तो अपना बेस्ट देना था. मोहिनी मैम का साथ था, मेरे हस्बैंड का साथ था, मेरी फ्रेंड मेघा कपूर, शी इज़ ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, तो इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया. तो जब आपके आसपास जब पूरा ऑरा होता है, जब आपको लगता है कि जब ऐसे ही लोग हैं तो जीत कर आना तो पॉसिबल था. तो बस मैं थर्ड रनर अप बनी और साथ में मैंने बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का भी अवार्ड विन किया और सबटाइटल में मिसेस ब्रिलियंस यूनिवर्स का भी अवार्ड मिला मुझे. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने फर्स्ट टाइम 45 ईयर्स में ऐसा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन जो थर्ड रनर अप की पोजिशन पर आई है. तो वैसे ही हमने हिस्ट्री क्रिएट कर ली है, तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए. थैंक यू. यस, एक्चुअली मेरा एक बेटा है 7 ईयर का, तो एक्चुअली उसने ही मुझे इसके लिए बहुत ही किया है कि मम्मा, वो मतलब ऐसे लोगों को बोलता था कि मेरी मम्मा तो प्रिंसेस है. तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि बाजू की हमारी एक आंटी आई और वो मुझे देखने लगे तो बोले कि आपका बेटा बोल रहा है कि मेरी मम्मा प्रिंसेस दिख रही है, आप चलो प्रिंसेस को देखने के लिए. तो वो आए, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरे बेटे को कहा जब वो 2 साल का था कि हाँ वाकई आपकी मम्मा तो प्रिंसेस है. तो फिर उसे ऐसा लगा कि मम्मा प्रिंसेस तो क्राउन पहनती है, मतलब आजकल के बच्चे तो इतने स्मार्ट है कि उनको सब कुछ समझ में आता है. तो ये सेड कि मम्मा प्रिंसेस तो क्राउन पहनती है, तो आप क्राउन पहनो. तो मैंने कहा बेटा क्राउन ऐसे नहीं पहना जाता है, क्राउन के लिए ना प्रॉपर एक स्टेप होती है कि आपको एक पेजेंट करना होता है, उसमें आपको क्राउनिंग किया जाता है, तो आपको उसकी वैल्यू तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है. तो उसने मुझे बहुत ये किया, पोक किया, मम्मा आप जाओ आप करो. तो एक 2 साल का बच्चा जो अपनी मम्मी को इन सब चीज़ों के लिए इंस्पायर करता है, तो ऑब्वियस है कि आपको एक लगता है कि एक स्टेप पे कि हाँ हमें ये करना चाहिए. तो बस उसने मुझे पोक किया, मेरे फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, मेरी एक डॉटर भी है 3 साल की. तो ये मेरे बच्चों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए. आज मेरी बेटी 3 साल की है बट वो मुझे बोलती है मेरी मम्मा आज मिसेस यूनिवर्स बन के आई है, मम्मा मुझे मिस यूनिवर्स बनना है. तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बच्चे अपनी माँ को देखकर जब सीखते हैं तो उनको कुछ लगता है कि हमें आगे कुछ करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मम्मा जैसे बनना चाहिए. तो मेरे बच्चों के साथ में ये जो भी जर्नी थी बहुत अच्छी थी. बच्चों को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर घर में आपके सपोर्ट है तो डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें कर सकते हो और ये चीज़ें बहुत इजी हो जाती है. और साथ में पति का साथ होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आपका हस्बैंड आपका बैकबोन नहीं हो सकता तो आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट पति का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, बहनों का सपोर्ट, इन सपोर्ट की वजह से ही शायद मैं ये खिताब जीत कर आ पाई हूँ. How is it possible? किस तरह से possible हुआ, कितना मुश्किल है.
सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ. थैंक यू आप सभी समय निकाल के यहाँ पर आए. और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो बोली जाती है, उसके पीछे एक कारण होता है. वो एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है. कोई इवेंट बोलो या कोई डेलीगेट बोलो या कोई टीम मेंबर बोलो, तो वो मेरा रोल है. और जहाँ तक बात इंटरनेशनल जाकर काम करने की है, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना होगा तो मैंने मेरी मैनेजमेंट की पढ़ाई लंदन से ही की थी. तो इंटरनेशनल जाना मेरे लिए एक्सपोजर लेना ही है. मेरे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होता. चैलेंज होता है कि वो कॉम्पिटिशन को एज ए इंडियन फेस करना. क्योंकि जैसे कि जोया ने कहा, 106 कंट्रीज़ ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती है. वहाँ पर हमें इंडिया का झंडा लहराना ही है, इंडिया को गर्व महसूस करवाना है. ऐसा एक भी गलती से कोई कदम नहीं उठाना जहाँ पर हमारी आंखें झुक जाए या फिर भारत का नाम वो हो जाए, ख़राब हो जाए. तो उसी जद्दोजहद में हम लगते हैं. शायद जो हमारे इंटेंशन रहते हैं, ठीक है, पर्सनल इंटेंशन तो रहते ही हैं कि हाँ हमें क्राउन जीतना है, हमें टाइटल लाना है, पर उससे बड़ा जो हमारा इंटेंशन है वो है भारत का नाम रोशन करने का. शायद ये जो इंटेंशन है, ये जो देशभक्ति की भावना है, ये हमारे हमसे सारे चैलेंजेस ईजिली पार करवा देती है. तो हाँ, ऐसे हो जाता है. जी हाँ, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज 106 कंट्री के लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हर कोई जीतने के लिए आया हुआ है. हर कोई अपने देश के लिए मतलब ट्रॉफी लेके जाना है, हर किसी को क्राउन चाहिए, हर किसी को शैश चाहिए. तो हर कोई अपने आप में बेस्ट था. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज हर देश का अपना नेशनल कॉस्ट्यूम था और हर कोई अपने आप में खूबसूरत दिख रहा था. बट वो तो जजेस के ऊपर होता है कि आपने कैसे उसे कैरी किया है, आप उसे कैसे, आप उसके साथ में उसके पीछे की स्टोरी क्या है. तो ये सब चीज़ें देखकर ही वो चीज़ें डिसाइड होती है. तो मैंने अभी जैसे ही आप लोगों को बताया कि ये एक लाइक 7 डेज का एक फंक्शन होता है जिसमें सारा सब कुछ करवाया जाता है, नेशनल कॉस्ट्यूम एंड ऑल, सारे राउंड होते हैं, सब टाइटल अवॉर्डिंग, डोमेस्टिक फोरम. तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, डोमेस्टिक फोरम इट्स लाइक कि जैसे घरेलू हिंसा के ऊपर जैसे बात करते हैं, हर कोई इस पर बात करने के लिए कतराता है, लेकिन वहाँ पे ये जो हमको स्टेज मिला था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, तो ये बहुत बड़ा स्टेज था. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो मैंने किया था, मेरा था सेल्फ डिफेंस. तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली हर पीढ़ी ने अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा ये जो ये था, एक मेरा जो टॉपिक था, ये सबसे अलग था. बिकॉज हर कोई अपने बारे में बता रहा है, अपने घर के बारे में बता रहा है, अपने पति के बारे में बता रहा है, अपने फादर के बारे में बता रहा है, कोई आस पड़ोस के लोगों के बारे में बता रहा है, बट ये कोई नहीं बताना चाहता कि इसका सोल्यूशन क्या है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो है सेल्फ डिफेंस का. तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, आने वाले बच्चों को, आने वाली अपनी पीढ़ी को, हर माँ बाप ने अपने बच्चों का सेल्फ डिफेंस की एजुकेशन देना ही चाहिए, सेल्फ डिफेंस उन्हें सिखाना ही चाहिए. तो बस मेरा भी कुछ ये भी था. तो शायद जजेस को हो सकता है वो चीज़ें अच्छी लगी होगी. तो बस मैंने ये सब किया, ये जर्नी बहुत अच्छी थी मेरी ओवरऑल. और बाकी तो आप लोगों के सामने मैं बैठी हूँ. मतलब बोलते हैं ना कि जिंदगी सफल हो गई, ऐसा महसूस होता है. 2016 में जब मैंने मिसेज इंडिया में पार्ट लिया था, तब तो मैं मिसेज वर्ल्ड का क्राउन जीतकर इंडिया में नहीं ला पाई थी, पर मेरा सफ़र, मेरी जर्नी तभी ही शुरू हो गई थी. 2016 से मेरी मेहनत जारी थी और हर दिन मेरी यही कोशिश थी कि इंटरनेशनल क्राउन इंडिया में आना चाहिए. इसलिए नहीं क्योंकि मेरी ज़िद थी, पर इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि भारत में हर वो खासियत है, हर वो कैपेबिलिटी है कि भारत हर एक ताज पहन सकता है. वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ. नवदीप कौर जब मिसेज वर्ल्ड गई थी, तब नवदीप कौर ने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता. उसके बाद चाहत दलाल जब मिसेज गैलेक्सी के लिए गई, तो चाहत दलाल हमारा मेन विनर मिसेज गैलेक्सी का क्राउन जीत कर आई, जो पहली बार इंडिया को मिला. सरगम कौशल गई, सरगम कौशल ने भी मिसेज वर्ल्ड का क्राउन जीता. और आप सभी आए थे, आप हर बार आए थे, और आज जब जोया मिसेज यूनिवर्स का थर्ड रनर अप का क्राउन जीत कर आई है, फिर से आप आए हो, हमें सहारने आए हो, हमारा स्वागत करने आए हो, तो आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है. बस आगे कामना है कि हम इसी तरीके से जो सीढ़ियां हैं वो ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ते जाएं और बड़े बड़े और क्राउन इंडिया में लाएं. आप किस नज़र से देखते हैं
मेरे लिए जोया की अचीवमेंट बहुत ही अलग अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी विनर्स का नाम लिया है। सब विनर्स या तो दिल्ली से रही हैं या तो बॉम्बे से रही हैं, जोया नागपुर की है। तो हमारे लिए स्मॉल टाउन, मैं उसको स्मॉल टाउन गर्ल बोलूँगी, जैसे हम एम सी स्टैन को बी टाउन बोलते हैं, तो ये हमारे लिए स्मॉल टाउन है। ये देखने जाए तो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं ये। इनके फैमिली में या इनके कम्युनिटी में अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऊपर से दो बच्चे संभालना, घर बाल संभालना, वो एक बिजनेस वुमन भी है एट द सेम टाइम। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इन्होंने जितना उमदा परफॉर्मेंस वो स्टेज पर दिया है, मैं जोया से सीखती हूँ। मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं इनसे सीखती हूँ। इनमें धैर्य बहुत है, इनमें पेशेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा फेथ है फ्यूचर को लेके, बहुत पॉजिटिव हैं। तो ये इनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, ये मेरा नज़रिया है जोया के लिए। जिस मैदान पे आप हैं, क्या उस मैदान से आप खुश हैं और नेक्स्ट आपकी क्या तैयारी है? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मिसेज यूनिवर्स में एक क्राइटेरिया होता है कि वो 5 विनर्स होते हैं। तो चाहे आप विनर हो चाहे आप थर्ड रनर हो, वो सब कुछ सेम है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली इंडियन हूँ जिसने 4 टाइटल इंडिया के लिए लेकर आई हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी सक्सेस की कोई बात ही नहीं हो सकती। और रही बात मेरे फ्यूचर की, तो मेरा फ्यूचर ऐसा है कि मेरा एक कारा फाउंडेशन है, मैं एक फाउंडेशन की ओनर हूँ। मेरा फाउंडेशन चलाती हूँ जिसमें मैं मालनरिश किड्स, अंडर प्रिविलेज किड्स और उसके बाद में विडोज़ के लिए मैं वर्क करती हूँ, साथ ही मैं ओल्ड एज पीपल के लिए वर्क करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही काम है जो मैं आगे करना चाहती हूँ। मेरा बहुत जल्दी मेरा प्रोडक्शन हाउस लॉन्च होने वाला है जिसमें मैं एल्बम सॉन्ग्स वगैरह बनाना चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी मेरा एक मीडिया है, मेरा इनविजन न्यूज़ चैनल है जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ, और हम लोगों का खुद का नागपुर मेट्रो समाचार न्यूज़पेपर चलता है। बस यही मेरे मोटोज हैं। आप इंटरनेशनल पे परफॉर्म कर रहे हैं, आज बड़ी खुशी की बात है, अक्सर जो है इंडिया में आ रहा है, तो इसके लिए कोई फिल्म बनाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे जो एक और अवार्ड आए? जरूर, मतलब आपने बोला है तो मैं जरूर इसके बारे में सोचूंगी। मुझे लगता है कि छोटे टाउन में से ही बड़ी बड़ी कामयाबी निकलती है, बस उसे देखने की तराशने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेघा कपूर अमेसर औदी से एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज तक बहुत सारी सेलिब्रिटियों को मेकअप दिया है लाइफ में, करीबन 25 से 30 सेलिब्रिटियाँ, महिमा चौधरी, काफ़ी ऐसी बड़ी बिग सेलिब्रिटीज़ को मेकअप दिया, करिश्मा खन्ना, बहुत सारी हैं। पर जो प्राउड की बात बोले तो जब इंडिया के लिए आता है ना, जब इंडिया के लिए जाना है हमको कुछ करने के लिए, तो मुझे ऐसे लगा कि जब मैंने इनको काम दिया, हमने सोचा था कि होगा कुछ, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि हर कोई जीतने ही आया था वहाँ पे, हर किसी को ताज चाहिए था। जब हम इनको काम दे रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था सारी फॉरेन कंट्रीज़ की एक से एक बहुत खूबसूरत सी वहाँ पे आई थी, और हमारा जो इंडिया का जब मैं स्किन देख रही थी ना, तो मैंने बोला नहीं, एक कलर मैं चेंज नहीं कर सकती। फॉरेन कंट्री के कलर को देख के अगर मैं मेरे इंडिया के कलर को चेंज कर दूंगी तो कहीं ना कहीं मैं नुकसान में चली जाऊंगी। मैंने बोला नहीं मेगा, आप इस 27 साल का जो अनुभव है आज आपको वो यहीं यहाँ पे चलाना है। तो हमने इंडिया की स्किन को बिल्कुल भी कुछ भी गोरा नहीं दिखाया, जो डस्ट की स्किन है, जो नेचुरल कलर है, उनको एसिडिटी रखा। तो जब वो 25 में शायद खड़ी थी अलग ही दिख रही थी जोया। चीज जब टॉप वहाँ पे आ गए, उनमें से सिर्फ ये आप जूम करके देखिएगा, उसमें सिर्फ ये अकेली एक बहुत खूबसूरत सी, एकदम ऐसा लग रहा है कि भारत माता खड़ी है। टॉप 5 में भी, जब टॉप 5 का भी नाम लिया तब जोया अलग ही दिख रही थी, उसका स्किन कलर, क्योंकि सब बहुत ऐसे गोरी गोरी दिख रही थी, जोया अलग से ही दिख रही थी। हमें बहुत खुशी हुई इनको काम देने में, और जब हिंदुस्तान का झंडा हमने लहराया हम तीनों ने, तो सर शब्द नहीं है। जो लोग आपको देख रहे हैं अभी, मिसेस हो या मिस हो, क्या कुछ मैसेज आएगा उनके लिए, कुछ मैम से करना चाहते हैं, करना चाहते हैं? आप लोगों को बोलना है। मैं यही कहूँगी कि मैं हमेशा यही मैसेज देती हूँ कि मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी, और जोया भी एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी, जैसे आपके घर पे है, जैसे आप हो, जैसे आपकी पड़ोसी है, हम वैसी ही हैं।
पर बस हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखा और हर एक दिन अपने सपनों की तरफ एक छोटा कदम ही सही लिया और इस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बस यही कहूँगी कि अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, खुद पे पूरा भरोसा रखना है और आप वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। हाँ, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे आपने पूछा है कि आपको मिस एंड मिसेस के लिए कोई एक मैसेज देना है, तो मैं अपनी ही एक स्टोरी बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी मेरी मदर को 4 बच्चे थे, तो 3 बच्चे मेरी मम्मा के ख़त्म हो गए। मेरे 2 जो भाई बहन थे वो बचपन में चले गए। उसके बाद जो बड़ा भाई था मेरा वो 30 ईयर्स की एज में चला गया, यानी आज उसको 7 ईयर्स हो गए। तो मेरी मम्मा जब प्रेग्नेंट हुई तो मेरी मम्मा ने सोचा कि मेरे पापा थोड़े से अल्कोहलिक थे, तो मेरे पापा को ऐसा लगा, मम्मा को ऐसा लगा कि शायद मेरे पापा हमारी परवरिश नहीं कर पाएंगे, तो मेरी मम्मा को लगा कि मैं बॉर्ड कर लेती हूँ। मेरी मम्मा 3 बार मुझे बॉर्ड करने गई लेकिन नहीं हुआ। तो वो 3 बच्चे तो चले गए, जिसको अबॉर्ड करना चाहती थी वो बच्ची आज उन्हें इतना प्राउड होता है कि मेरी बेटी ने आज हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, जो आज तक मिसेज यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं हुआ। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत प्राउड है और हर मिस और मिसेज को मेरा ये मैसेज है कि अगर आप कभी भी आपको लगता है कि आपको ये स्टेज पे आके खड़ा होना है, आज आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करना है, जर्नी स्टार्ट करने के लिए कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप मिस हो, मिसेज हो, आपके अपने सपने हैं, आप अपने सपनों को देखो आप क्या कर सकते हो, चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो हार्डवेयर इंजीनियर हो, कोई भी हो। बस लड़कियों ने अपना एक अस्तित्व बनाना है, एक स्टेप लेना है और अपने लिए काम करना है और अपने नाम को रोशन करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू।